सो ये देखो भाई गुजरात में चाय कप, देखो चाय का कप कितना छोटा है। फिलहाल अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, ये रहा। और ये देखो भाई चाय का कप कितना सा है। सो भाई ये देखिए, अगर आप रन ऑफ कर जाते हैं ना तो बीच में खावड़ा पड़ेगा, और यहाँ का और इसका क्या नाम था, मावा। मावा ये देखिए, यहाँ का मावा फेमस है, मावा खोया। और ये रही शॉप भाई, ये देखिए यहाँ आओगे तो थोड़ा, सबसे पुरानी शॉप यही है भाई, यहाँ आओगे तो थोड़ा सा जाना कर जा सकते हैं छोटे भाई। हाँ शायद नाम मेरा तो सौरभ है, चैनल का नाम देखो बाइक पर रखा हुआ। तो भाई आ गया बीच में एकदम ही। छोटे कैसे है, कैसे है? यही छोड़ दूंगा ज्यादा बोलोगे तो। सो भाई चलो यहाँ से चलते हैं, चाय वाय पी ली है। या भाई को छोड़ोगे तुम, मैं भाई को ले लेता हूँ। और अभी टाइम हो रहा है 5:15, तो यहाँ से चलते हैं। सब ऐसे घूर रहे हैं भाई, चलो भाई आओ बैठो। तो भाई अभी हम आ चुके हैं वापस बाइक पे, और भाई इस रोड पे ड्राइव करने का ना बहुत मजा आ रहा है भाई। सीधी रोड है, बस एक्सीलेटर देते जाओ देते जाओ देते जाओ। देखो भाई हसीन नज़ारे, वाह। मैं दिल्ली से इतनी दूर भाई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं नज़ारों के लिए आया था, और मैंने यहाँ के भी ड्रोन शॉट लिए हैं जो थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे, वो इसी जगह के ड्रोन शॉट थे। कितने प्यारे नज़ारे ना, और हल्की हल्की बुछार पड़ रही है भाई बारिश की, और आज मौसम ने पूरा साथ दिया, वेदर ऐसा ही रहा, धूप भी नहीं निकली ना बारिश हुई, मज़ा सा आ गया भाई। भाई साहब जस्ट अभी बात करी थी कि बारिश नहीं है, बारिश ने पूरा साथ दिया, लेकिन भाई अब हो गई स्टार्ट बारिश। अभी मेरे को ऐसा लग रहा है अब कैमरे को रखना पड़ेगा अंदर, लेकिन थोड़ा सा चला लेते हैं थोड़ी देर तक, अपना वाटर प्रूफ है कैमरा बिना बनने लगा है। ये देखिए अभी फिलहाल मेरा कैमरा अंदर है, बट बारिश हो रही थी रुक गई है। लेकिन भाई ये देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज पासिंग फ्रॉम हेयर, यहाँ से भाई जो कर्क रेखा होती है यहाँ से पास होती है। कितनी अच्छी वाली बात है ना भाई, गुजरात आ गया हमें ये भी देखने को मिल गया। हालांकि जब मैं लास्ट टाइम आया था ना तो ये जगह पड़ी थी, बट मैं जल्दी में था तो वो जगह स्किप हो गई थी। तो फिलहाल हमने यहाँ पे कुछ एक दो फोटो शूट करे हैं, और नीचे की लाइट ऑन है, इसको बंद करता हूँ क्योंकि दूसरों को दिक्कत होती है। और ये देखिए भाई कितना खुला मैदान है, जो वो मिडल जो रेखा होती है वो यहाँ से पास हो रही है। वाह बारिश होने वाली है, चलो भाई चलते हैं, बारिश का मौसम हो गया, बारिश तेज होने वाली है। कैमरा अंदर रखते हैं क्योंकि वो देखिए आगे बादल छा रखे हैं, कैमरे को आगे लगाएंगे जाके। अभी हम चल रहे हैं भुज की तरफ, वहाँ कुछ खाएंगे पिएंगे उसके बाद चलेंगे घर की तरफ। भाई अब मैंने लगा लिया कैमरा, दोबारा फिर से कैमरा लगा लिया क्योंकि बारिश रुक गई, और अब हम पहुंच चुके हैं भुज। और भाई भुज मेन सेंटर है, जहाँ पे अर्थक्वेक आता है ना गुजरात में, मेन सेंटर हमेशा भुज ही रहे। अभी ना भाई क्या सीन है, यहाँ से अपना हो गया नया व्लॉग स्टार्ट। अभी हम चल रहे हैं पताड़िया हनुमान जी का मंदिर है, वो कहा जाता है भाई ये मूर्ति अपने आप ही अंदर से जमीन से प्रकट होती है, यहाँ के लोग कहते हैं कि पताल से आई थी। तो हनुमान जी का मंदिर है और गांधीधाम में ही है, 10 किलोमीटर है आदिपुर से, मतलब जहाँ मैं रुका हूँ उसके उस लोकेशन से चिड़िया आ गई थी एकदम यहाँ के। तो दोबारा करते कंटिन्यू, चिड़िया ने डिस्टर्ब कर दिया। तो वो जो मंदिर है ना उसमें मूर्ति पताल से निकली थी ऐसा लोग कहते हैं। तो अभी हम भी चलते हैं और मंदिर देख लेते हैं भाई हनुमान जी का। सो भाई पाताड़िया मंदिर जाने से पहले ना अभी हम जाएंगे अंजार के रास्ते, और हमें यहाँ से लेना है एक चक्कू। हालांकि मैंने चूल्हा गैस वैस सब रखा है, लेकिन मैं चक्कू लाना भूल गया। हाँ वो क्या है ना, हमें प्याज काटना होता है, खाना वाना कैंपिंग करना होता है, प्याज काटने के लिए चक्कू नहीं है। तो अभी यहाँ पे अंजार में फेमस है भाई चक्कू मार्केट, हथियार मार्केट, देख लेते हैं तलवार मार्केट। अच्छा पीछे भाई ने बताया कि यहाँ फेमस है भाई तलवार मार्केट। सो भाई अभी हम घुस गए अंजार में, ये देखो भाई हथियार स्टार्ट हो चुके हैं यहाँ पे, यहाँ सारे हथियार यहीं मिलते हैं। अच्छा आगे ले तो उसके बाजू में निखिल मंदिर के सामने। हाँ ऐसा दिखा दो इस टाइप का ही भाई, इसी टाइप में, इससे छोटा नहीं है। डंडी तो है इसके अंदर भी, चाकू निकल रहा है लकड़ी के। दिखाना एक बारी, हाँ ये दिखाना। ओ भाई साहब वापस रख लो भाई वापस रख लो इसे तो छोटे ऐसे में, ये जो ट्रैवल वाले चक्कू है दिखाना भाई छोटे में। सो भाई ये देखो ये सारी यहाँ पे हथियार की दुकान है, उस पे देखो जरा बोरे, छोटा चक्कू होगा, छोटा चक्कू वही दिखाना इसके साथ वाला। हाँ ये तो हाँ उसी तरह से, वो हरा वाला दिख रहा है तुम्हें कहीं, जैसे वो हरा था उससे आइडिया मिल जाएगा ना कि तो बहुत बड़ा हो जाएगा ये अलग, मतलब है तो छोटा पर अलग डिजाइन का हो गया। इसमें भी तो छोटा आता है, इससे और छोटा है
फोल्ड वाला नहीं, फोल्ड में छोटा आता है फिर तो, वो तो वही तो पड़ा हुआ है मेरे पास। एक मिनट साथ में और देख लूँ। सो भाई यहाँ भी फिलहाल चक्कू कोई मिल नहीं रहा है, देखा क्या कोई है? भैया छोटा साइज ये देखो भाई, ये कितने का है? है ऐसे में कवर में, इससे छोटा और देख लेते। दिखाना, वो तो बहुत भारी है यार। हैं? इसे कौन सी सब्जी काटते हो? ये तो प्रोफेशनल है। ये तो मुझे लग रहा है घर वाले मारेंगे मेरे को। अरे बोल रहा हूँ, परपस क्या है? बस सेफ्टी के लिए रखना। हाँ तो यही इतना तो चाहिए होगा। देखो एक एक फोल्ड वाला वो दिख रहा है, वो वाला बीच में बंद होगा। हाँ मांगना एक बारी अपनी भाषा में, वो जो नीचे बीच में पड़ा। अच्छा ये तो ऐसे तो मैं भी बोल दूंगा, ऊपर वाला फोल्ड वाला ही देख लेता हूँ। ऊपर वाले हाँ, कौन सा कलर? कोई कलर दिखाना एक और ऊपर वाला फोल्ड वाले में। फोल्ड वाला जी थे ना, कौन सा वाला ना? हाँ यही दिखा दो, ये रहे ना। अच्छा इधर ही। यही तो एक टेंशन वाली चीज है, कुछ बड़ी बात नहीं है, लॉक से बंद होगी, लॉक से खुलेगी। अच्छा चलो यार रहने दो भाई, ब्लैक एक वो है नीचे, अभी है तो लंबाई, आगे से तो लंबाई है, नीचे का वो खाली छोड़ा है। वही ले लूं जो 350 को उसने दिखाया था? 350? हाँ का कितने का मिलता फिर? 500 रुपए में तो तलवार मिल जाती। अच्छा वही 150 रुपए का देगा। उसने कवर में दिखाया ना अभी, इसी बंदे ने कवर वाला करवाओ फिर। देखो वो रखा हुआ ना ऊपर, वो देखो ऊपर घर पे सजाने के लिए रख लूंगा। ये देखो ये रखे हुए साइड में, एक मिनट, ये रे ये रे ये यहाँ से निकाल के देना। हाँ निकालना, छोटा ही निकालो इनमें से। हाँ ये दिखाना, बैग में पड़ा रहेगा। सो भाई ये देखो ये चक्कू अच्छा लग रहा है, उससे बड़ा कोई नहीं, घर ले जाने में क्या जा रहा है, घर ले जा सकते हैं इसको। सो भाई देखो घर पे ये काम आएगा, घर पे मतलब खाना बनाने के लिए, सेफ्टी के लिए, घर की सेफ्टी के लिए भाई। और जैसे कहीं कोई चेकिंग वैकिंग तो नहीं होगी ले जाऊँ वहाँ तक? चेकिंग तो अभी वो तुम्हारे पे रहता है। हैं? तुम्हारे पे रहता है, गुजरात में तो नहीं होगी चेकिंग। समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहा हूँ। सो भाई देखिए ये है यहाँ पे हथियार मार्केट अंजार में। फिलहाल मैंने यहाँ से कुछ लिया नहीं, एक रीज़न ये है कि भाई घर तक ले जाना बड़ा मुश्किल रहेगा सामान। भाई देखिए अभी हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर के बाहर और यहाँ लगा दी हमने बाइक। सो भाई ये देखिए यहाँ पे ये एक डॉगी है, इसकी समाधि बना रखी है, ये हमेशा यहीं पे रहता था, ये इनका हनुमान जी का भक्त था, तो इस चीज़ को लेके ना यहाँ पे पातड़ी हनुमान जी हैं जो यहाँ पे मंदिर, इनके बाहर इनकी समाधि बना दी। और ये देखिए भाई मंदिर, और ये पड़ता है आदिपुर से 10 किलोमीटर। फिलहाल अभी हम भी यहाँ चलेंगे, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता, तो हमने सोचा भाई हम भी घूम लेते हैं। सो ये देखिए भाई यहाँ पर भी एक हनुमान जी की मूर्ति है बड़ी सी, ये देखिए। और अभी यहाँ पे चल रही है आरती, और मंदिर देख सकते हो भाई, भाई 360 व्यू दिखाता हूँ मंदिर का। भाई देखे
कितना लग रहा है, मस्त एकदम तो मंदिर दर्शन हो गया फिलहाल। और अभी हम यहाँ से, अभी हमारा क्या प्लान है, हमें कहाँ चलना है भाई? घर चल रहे हैं ना, घर चल रहे हैं। ठीक है, ये भाई अपनी भाषा में बोल रहे हैं, नथी जाऊं क्या? ठीक है भाई, लो तुम मजे लो, तुम भी लो। तो चलो भाई चलते हैं जरा घर की तरफ।